फ्री स्कूटी योजना। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार आपको दे रही है फ्री में स्कूटी। खबरें सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी। जी हाँ, ये खबर रेगुलर चल रही है, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को मिलने वाली है फ्री में स्कूटी। कुछ खास पैमाने हैं जिनके आधार पर आपको स्कूटी मिलेगी। कुछ फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे, वो आज सारी की सारी डिटेल बताएंगे। क्या पात्रता है इसकी, कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, इसको चलाने का मतलब क्या है, इसको इससे सरकार को क्या फ़ायदा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है आपको फ्री में स्कूटी। तो देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं कि इसको इस योजना के लाभ क्या थे जिसकी वजह से सरकार ये चलाने के मूड में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्री स्कूटी योजना 2024 लॉन्च की जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के आरंभ करने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में की गई थी चुनाव के टाइम में। योजना के माध्यम से ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे छात्र छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। जी हाँ, जो छात्र छात्राएं स्कूटी ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कूटी दी जाएगी। और कुछ पैमाना है, हालांकि ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर नहीं की जाएगी, बल्कि उससे पहले के आधार पर की जाएगी। तो चलिए अब आपको बता देते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण दस्तावेज लगने हैं, वो दस्तावेज खासकर क्या है। आपके पास दस्तावेज जो होने चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी जो कि सभी के पास आजकल होता ही होता है जियो आज से, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाता विवरण या मतलब पासपोर्ट की फोटोकॉपी होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ये सब कागज लेके आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा, या फिर आप ऑफलाइन भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी पात्रता, बेसिक पात्रता जो है उसमें भाई आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, छात्रा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रही होनी चाहिए, और 2.5 लाख से कम की आय होनी चाहिए। छात्र द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा में 75% मिनिमम मार्क्स होने ही होने चाहिए। अगर आपके पास इतने मार्क्स हैं तो आपके लिए मिल जाएगी स्कूटी। रीज़न पता क्या है कि अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं और 12th में आपके 75% मार्क्स आए हैं तो आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया जाना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन एडमिशन लिए हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, 75% ज़्यादा मार्क्स है तो आपके लिए स्कूटी के लिए धनराशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स होने चाहिए, उसके हिसाब से आपको दी जाएगी। मतलब हर एक क्राइटेरिया के आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उससे पहले के मार्क्स देखे जाएंगे, उसके हिसाब से ही आपको स्कूटी योजना दी जाएगी। इसको चलाने का बेसिक लक्ष्य जो है कि भाई आजकल लोग क्या करते हैं कि लड़कियां 12 तक पढ़ती हैं, उसके बाद में स्टडी छोड़ देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। बट सरकार ने इस चीज़ को प्रोत्साहन दिया कि नहीं, लड़कियों को आधे बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, इसीलिए उनको बढ़ावा देते हुए गवर्नमेंट ये इस तरह की योजना लाई है। हालांकि सबसे पहले MP में ये योजना लाई गई थी और वहाँ पर बांटी गई, अब जाके UP में ये योजना आ रही है। तो अभी इसको लेके अभी नया नया साइट पे कुछ चर्चाएं आई हैं, कुछ न्यूज़ मीडिया में निकल के आई हैं जब से यूपी पुलिस आया, तब से ये न्यूज़ ज़्यादा गर्म है। बट अभी तक इसका कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई वेबसाइट अभी लागू नहीं हुई है, मगर जो अपडेट निकल के आ रहा है सुनने में आया कि 2024 के एंड तक इस गवर्नमेंट एक वेबसाइट निकाल देगी या फिर कोई एड्रेस दे देगी जहाँ पर आप लोग कोई फॉर्म वगैरह निकालेगी ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से, जिसके आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकोगे और वो गवर्नमेंट तक जाएगा। और उसमें आपको ये जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं साइड में भी आपको दिख जाएंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं और वो डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। गलत पाए जाते हैं तो आपका फॉर्म आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो फिर आपको नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा भाई। तो भाई जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार आपको 1 लाख रुपये तक की धनराशि दे रही है स्कूटी के लिए, तो कागज़ तो ओरिजिनल मांगेगी मांगेगी। तो भाई यही है, बाकी और कौन सी योजना चल रही है वो मैं ढूंढ के जल्दी से लाऊंगा। हालांकि ये योजना थोड़ी डिले है क्योंकि, लेकिन हाँ 2-3 महीने का इंतजार कीजिए, आ जाएगी। क्योंकि 2027 से पहले पहले जो घोषणा पत्र में कहा है वो बाधित तो करने ही पड़ेंगे, करने पड़ेंगे तो करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी नौकरी को लेकर कर रहे हैं, आज ही जैसे 1 लाख वैकेंसी को लेकर बोला है, इससे पहले 2 लाख वैकेंसी को लेकर बोला था, बट अब 1 लाख वैकेंसी तो के लिए पुलिस की बोल दी। इसी तरीके से चल रहा है क्रम और चलता रहेगा। बाकी आप लोग सब जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ में। जिसको इस योजना से रिलेटेड कोई बात करनी हो या फिर कोई इशू हो तो कमेंट मार दो, मैं सॉल्व करूँगा उस चीज़ को लेकर।